ये एवोकाडो ये लाइफ में कभी नहीं खाया, तो पूरा परिवार वाला हम लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे। किसा बेकार। अपना डिनर कैसे कर रहा हूँ देखिए दोस्तों, ये रोटी एंड इसमें जो है आलू चटनी ऐसे लेता हूँ इसे, उसके बाद इसमें डीप डीप इन एंड मुंह में। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल जो है हम हॉस्पिटल गए थे, बहुत हड़बड़ी में ब्लॉग को भी ख़त्म किया मैं, एंड आज सुबह उठा मैं गर्म पानी पिया एंड उसके बाद जो है दवाई लेना था एक पील मुझे खाली पेट, तो वो लिया एंड अभी थोड़ा सा बाहर में आया हूँ। और यहाँ पे देखो मंजिता, मंजिता का भी पाँव दर्द दे रहा बोला है ना, कौन सा पाँव दर्द दे रहा है ये वाला। तो मम्मी को जो दवाई मिला था ये मालिश करने के लिए, वही से मालिश किया दीदी ने। अभी पता नहीं क्या हो गया हमारे परिवार को, कभी इसको ये प्रॉब्लम होता है, कभी इसको वो प्रॉब्लम होता भी है, दर्द हो रहा है यहाँ पे भी। फिर से इसको भी लेके जाना पड़ेगा टेस्ट के लिए, सोनोग्राफी वगैरह। हाँ देखो ठीक है, इसको भी लेके जाएंगे फिर से सोनोग्राफी करने के लिए हॉस्पिटल में। और यहाँ पे जेरी मेरे लिए ब्रेकफास्ट के लिए ये चाय बना रही है, चीनी ज़्यादा नहीं, बस चीनी हम मतलब थोड़ा सा इतना सा डालते हैं बस। तो ये मेरा चाय आ चुका है दोस्तों, मैं अपने बिस्तर पे ही खाऊंगा ब्रेकफास्ट। और ये जो है राइस केक है, तो ये राइस केक मैं खा सकता हूँ, ये मैंने कल भी खाया था, काफ़ी मतलब पेट में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई ये खाने का बाद, अभी बेहतर फील कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे फ्रूट्स का कलेक्शन देख सकते हैं, आज हम लोग फ्रूट्स खाएंगे। ये एवोकाडो ये लाइफ में कभी नहीं खाया, तो पूरा परिवार वाला हम लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट्स की भी सब कुछ रखे हुए हैं, तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह लूँगा। मैंने तो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एक कीवी फ्रूट भी खाया, और अभी मम्मी लोग खा रहे हैं, मम्मी लोगों को भी दिया कीवी फ्रूट, मम्मी मंजिता सभी लोग मिलके। और यहाँ पे खा रहे हैं बेर, मैं खाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, मैं खा सकता हूँ ऐसे बट मेरे को खाने मन नहीं है, तो ये लोग खाएंगे। उसके बाद मम्मी की दवाइयाँ यहाँ पे रखे हुए हैं, देखिए कितने सारे दवाइयाँ, और भाई साहब इतने महंगे महंगे दवाइयाँ हैं मम्मी के भी, ये इंजेक्शन वगैरह ये एक हफ्ते में एक लगाना है, और यहाँ पे क्या क्या दवाई, और ये वाले भी एक हफ्ते में एक बार ही खाना है ये टेबलेट, ये देखिए अफ्तर फूड अफ्तर फूड। तो बुझे खाना खा लिया, पूरा पेट फूल हो गया, कहाँ अंदर चला गया, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया खाना इसने, पूरा पेट फूल हो गया इसका। अभी दोपहर हो चुके हैं दोस्तों, कुछ भी करने को नहीं है, पूरा बोरिंग बोरिंग ना, तो बिस्तर पे लेते रहते हैं, वेब सीरीज वगैरह देखते रहते हैं। पूरा बारिश हो रही है देखिए ना, पूरा हर तरफ में बारिश ही बारिश, बारिश बहुत बोरिंग है। और यहाँ पे आग जला हुआ है, और यहाँ पे जेरी मेरे लिए रोटी बना रही है, आज पहली बार रोटी खाऊंगा मैं दोपहर में, दोपहर का लंच में। काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि रोटी खाओ रोटी खाओ, तो आज से मैं दोपहर में रोटी खाऊंगा, और शाम को मैं चावल खाऊंगा, सुबह में चाय वगैरह, ऐसे ही मतलब मैनेज करना पड़ेगा मुझे अभी। वाह जेरी बहुत बढ़िया से रोटी बनाती है, देखो मुझे तो नहीं आता, जेरी एक्सपर्ट। आज मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, दो रोटी खाऊंगा बस, जो बचेगा हम लोग खाएंगे। अच्छा तुम लोग खाना। और यहाँ पे मेरा सब्जी बॉयल हो रहा है ना, दाल और लौकी एक ही साथ में बॉयल, वो भी मूंग दाल दोस्तों, ये वाले दाल, मसूर दाल नहीं खा सकता मैं, केवल मूंग दाल। मूंग दाल जो है डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी होती है, ये जो मसूर दाल है वो डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है। यहाँ पे तवा भी रेडी है, सूखा रोटी एकदम ना, एकदम सूखा। हाँ अभी मंजिता अभी यहाँ पे रोटी खा रही है, रोटी वगैरह पक्के हो चुके हैं तैयार, और ये लोग यहाँ पे वाटरमेलन खा रहे हैं। सबसे पहले मैं रोटी खाऊंगा, रोटी सब्जी, उसके बाद खाऊंगा वाटरमेलन, और वाटरमेलन भाई पूरा क्या ही कलरिंग है, मस्त है एकदम। यहाँ पे रोटी पूरा गर्मा गर्म बन रहा है, यहाँ पे हो गया एकदम गर्मा गर्म, हम लोगों ने, मैंने एक खाया, दीदी ने एक, और मंजिता ने एक। मंजिता ने भी खाया, मंजिता और बोल रही है हम लोग डिनर में रोटी खाएंगे। अच्छा। बहुत टेस्टी हुआ है, खाती रहो, मैं इधर बनाती रहूंगी, एक एक देती रहूंगी गर्मा गर्म। ठीक है सब्जी लाओ, अभी मैं अपना लंच करूंगा, और लंच के टाइम में भी बिल्कुल अंधेरा, देखिए लाइट ही नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा, ऐसा लग रहा है कि रात है। तो अभी खाते हैं हम, ये बहुत दिनों के बाद काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि हम रोटी क्यों नहीं खाते, लो भाई आज रोटी, आज से रोटी, ये मेरा सब्जी, हाँ दाल और ये लौकी की बॉयल, हाँ इसी के साथ खाऊंगा रोटी।
रोटी पहली बार, अब मतलब पहली बार तो नहीं है, बहुत बार खा चुके हैं, लेकिन जब से बीमारी हुई है तब पहली बार रोटी, सूखी रोटी। पिछले भी हम लोग उससे पहले कम खाया था ना रोटी, अब कितने महीनों में खा रहे। कल हम लोगों ने पूरी भी खाए थे, कैसा लग रहा है? एकदम मस्त ड्राई रोटी। ये मैंने ऐसे ऐसे बेला है और दीदी ने गर्मा गर्म बना के दे दिया। और दाल दाल कैसा हुआ है? सुपर। जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, पुराना रूप वापस आ जाओ, रोटी खा के स्ट्रॉन्ग बनना। इतने दिनों के बाद मैं रोटी खा रहा हूँ, देखिए दोस्तों मजा आ रहा है। मतलब चावल के कंपेयर में बहुत हल्का महसूस होता है, चावल खाने से भारी। और लोग कहते हैं चावल खाने से लोग मोटा होते हैं, हम लोग अपना पूरा लाइफ टाइम चावल खाते हैं, मोटा होते ही नहीं हम लोग। और रोटी खाने वाले तो इतना मोटा मोटा आदमी मुझे दिखाई देते हैं, उनसे पूछते हैं हम क्या खाते हो, कहते हैं रोटी। हम खाते हैं चावल और हम मोटे होते ही नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों। तो तीन रोटी मुझे टोटल दिए थे, मैं केवल दो खाया क्योंकि लाइट खाना पड़ता है मुझे, मैं तीन नहीं खाया। वैसे तो खाने मन तो है बट लाइट खाना पड़ता है, तो इसलिए कंट्रोल उदय। सब्जी तो पूरा खा दिया, अभी संतुष्टि, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर से फ्रूट वगैरह खाऊँगा। मंजिता तो फिर से खा रही है, खाओ खाओ। देखते ही देखते शाम हो गई दोस्तों, एंड यहाँ पे दीदी अभी डिनर बनाने की तैयारी कर रही है। जेरी भी मेरे लिए अभी दाल बनाएगी यहाँ पे, ये देखो क्या दाल कहते हैं, मूंग दाल, मूंग दाल। हाँ, और आज शाम का डिनर होगा मूंग दाल, आलू बॉयल और रोटी मेरा। और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, देखिए पूरा बारिश से बारिश। और मंजिता का दृश्य देखो, वाह पूरा ठंडा है ना बारिश में, इसीलिए सभी लोग, मम्मी को भी ठंडा लग रहा है। एंड लाइट तो नहीं है, अभी आने के उम्मीद भी नहीं है, इतनी दिन तक बारिश हो रही है। हमारा ये वाला लाइट से काम चला रहे हम लोग, और फ़ोन का लाइट बस। और यहाँ पे रोटी बनाने के लिए ये लोगों ने पता नहीं आता ये ना मैदा मेल के रखे हैं, हाँ ये रखे हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज पहली बार हम लोग डिनर जो है रोटी के साथ करेंगे। दीदी का रेसिपी देखिए, आलू और फिदलेट फन की भाजी। भाई मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, लेकिन खा नहीं सकता मैं तेल वगैरह, तो वेट करना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे देखो मिर्च तेल में दे दिया है, भाई बहुत खाने का मन करता है, कम से कम 6 महीने वेट करना पड़ेगा मुझे ये सब खाने के लिए। अभी दोस्तों डिनर का टाइम है, और यहाँ पे देखिए ये मेरा आलू और पुदीना की चटनी, बस नमक आलू और पुदीना मिक्स, एंड यहाँ पे सूखी रोटी, और यहाँ पे मूंग दाल बिल्कुल केवल नमक और पानी से बॉयल। और आज सभी लोग हम लोग रोटी खा रहे हैं, और लाइट नहीं है भाई, कैंडल लाइट डिनर कर रहे पूरा फैमिली वाले। ये देखो ये लोग तो टेस्टी टेस्टी खा रहे, ये देखो तेल भाजी। मुझे तो तेल खाने नहीं सकता हूँ मैं, मना किया गया है डॉक्टर की तरफ से। हाँ तो अभी करते हैं इसके साथ डिनर दोस्तों। अपना डिनर कैसे कर रहा हूँ देखिए दोस्तों, ये रोटी एंड इसमें जो है आलू चटनी ऐसे लेता हूँ इसे, उसके बाद इसमें डिप डिप इन एंड मुंह में। बहुत बढ़िया, मतलब चावल खाने से बहुत भारी भारी सा लगता है पेट में, ये रोटी खाने से एकदम हल्का। तो अब से मैं कुछ दिन रोटी खाने वाला हूँ, बीच बीच में मतलब कभी चावल कभी रोटी, लेकिन जैसे मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा ना फिर से चावल खाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि हम लोग का आदत ही है ना चावल। पूरा फिनिश कर दिया मैंने, दाल भी फिनिश, आलू वाला चटनी और रोटी मैंने 2 1/2 एक आधा जेरी को दे दिया। और लाइट नहीं है इधर में, टॉर्च जला के रखे हैं, और 2 कैंडल, और यहाँ पे छुटकू सा एक लाइट। और मंजिता मंजिता फिनिश कर दिया, मंजिता ने 3 खाया। वाह अरे मेरे से भी ज्यादा खा दिया इसने, मम्मी ने 2 खाया। हम लोग का डिनर भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो अभी जो है ये जो अपना एवोकाडो है ये खाने के लिए अभी हम लोग देखेंगे, काट के पहली बार है, पता नहीं खराब वाला खरीद दिया क्या मैंने, ज्यादा ही काला लग रहा है। वैसे तो पकने से ऐसे कलर हो जाते हैं, ग्रीन वाले भी थे, मैं सोचा मतलब पका वाला ही लेके जाते हैं, तो अभी काट के देखते हैं। भाई साहब कहीं खराब वाला ना खरीद दिया मैंने, ज्यादा ही पक गया ये देखिए, वाओ बीच में सीध एक तो होता है ना, वो इतना बड़ा सीध है, सीध को तो नहीं खाते है क्या? पता नहीं, अरे जिंदगी में पहली बार देखा। मैं टेस्ट करके देखता हूँ। हाँ
उठ जाए। बेकार बेकार है, मीठा भी नहीं है कुछ भी टेस्ट। और ये दो का 350 रुपया शायद ज्यादा ही पक गया क्या पता नहीं, एकदम अलग सा टेस्ट है। मुझे लग रहा है कि ये खराब हो रहा है, पता नहीं खराब है तो खराब है। 350 रुपए गए ऐसे। नहीं होगा। और देखो हम लोगों ने खाने के लिए पहली बार देख रहे थे वो। थोड़ा अगर अच्छे से, मुझे लगता है ये ठीक से पका नहीं है, जबरदस्ती पकाया गया ऐसे। हाँ। तो अगर अच्छे से पकते तो बटर फील आता है। अच्छा। हाँ देखो शुरू में नहीं आता है टेस्ट, देखो अभी थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, बिल्कुल बटर की तरह। हाँ। चलो ट्राई करते हैं। ये देखो, हाँ ये एक्चुअली खराब भी हो गया है ना, ये देखो खराब भी हो गया। अभी काट के ऐसे खा के देख लेते हैं। शुरू में टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा बटर बतरी फील आती है। सफर ये देखो, का फल मीठा होता है वही। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ फिर से, मेरे से वेट नहीं हो रही है। ट्राई करो तो कैसा है। पूरा वेट करना पड़ेगा, ऐसे आंख बंद कर तभी बटर जैसा फील आता है। मंजिता वेट कर रही है बेचारी मंजिता, लेकिन टेस्ट करके देखो। चलो बेबी लो ट्राई करो। हाँ। मैं अभी अजीब है। कैसा लगा अभी? थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है धीरे से, आंख बंद करके फील करके नहीं, फील करने से लास्ट में बटर जैसा आता है ना, पूरा बटर ही। हाँ एक चक बटर रिएक्शन कैसा था? नहीं खाओगे? अभी हमने एवोकाडो तो खा लिया, अभी लास्ट में थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है ना, बिल्कुल बटर की तरह। क्योंकि फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था तो शुरू में टेस्ट नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मजा आने लगा है। तो अभी फिर से हम लोग ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं सभी लोग। यहाँ पे मम्मी भी आ चुकी है, मम्मी भी खा रही है। अभी कैसा लग रहा है टेस्ट? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा है? बटर जैसा लगा। हाँ बटर जैसा ना। तो अभी खाओ। जेरी भी ड्रैगन फ्रूट कम खाती है, आज पता नहीं कैसे खा रही है। मीठा है तो थोड़ा मीठा। चलो खाते हैं। हम सब ने डिनर भी कर लिया, फ्रूट्स वगैरह भी खा लिया दोस्तों। तो अभी आए हैं हम अपने कमरे पे सोने के लिए, एंड अभी मुझे दवाई लेना पड़ेगा, यहाँ से एक टेबलेट लेना है, उसके बाद ही सोना है मुझे। तो अभी खा लेता हूँ, अभी ज़िंदगी ऐसी हो गया है, बस दवाइयाँ लेना है, मुझे कोर्स पूरा कंप्लीट करना है ताकि मेरा बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभी मैं दवाई लूँगा बस। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।